आज मैं ब्लॉग बनाने की सोच रही हूँ। हाँ सोमू, बहुत दिन हो गए ना ब्लॉग नहीं बनाया। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे वो एक वो वीडियो सुनी है, मैं बाल कटवाने की सोच रही हूँ। मैं वीडियो बता रही हूँ, ऐसे वीडियो ऐसे बोला उसने, मैं कटवाने नहीं जा रही। आज वैसे भी थर्सडे है, मैं वीडियो बता रही हूँ। सोमू ने ऐसे बोला है कि बना लो, ओके वो वीडियो है ना एक, मैं बाल कटवा लूँ तो कटवा लूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा तो मत कटवाओ। वो समझ रही है कि मैं बाल सच्ची में कटवाने जा रही हूँ। ज्योति सोमू दोनों सफाई कर रही हैं और मैंने नहा लिया है, सारा घर का काम वैसे हो गया है, खाना वाना सब बन गया है, मैंने तो खाना खा भी लिया है। और कई दिन से मैं ब्लॉग नहीं बनाया था, तो फिर आज मेरा मन ऐसे करा नहीं ब्लॉग बनाओ, क्योंकि यही तो मेरा एक फेवरेट काम है। अब ये लोग चुप नहीं होंगे, यही तो मेरा एक फेवरेट काम है, तो यही नहीं करूँगी तो कैसे काम चलेगा। और मन में आया काम नहीं रुकना चाहिए, अपना काम नहीं रुकना चाहिए, तो इसीलिए फिर मैं आज मैंने कैमरा उठा ही लिया। तो हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, रात में हुई थी बारिश और अभी निकल रही है धूप, तो ये क्या हो जाता है ना, इसकी उमस हो जाती है। तो वो उमस वाली जो गर्मी होती है ना, वो नहीं सहन होती है। और बारिश हो रही है शाम को या रात को, तो बारिश में जब तक ना नहाओ ना, तब तक मन नहीं पूरा होता। मैं सोच रही हूँ बारिश हो जाए ऐसे समय पर कि नहाने को मिल जाए, सो नहीं हो रही है। और आज भी अभी भी देखो 3 बज चुके हैं, दिन के दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी धूप निकल रही है। अभी थोड़ी देर पहले बादल हो रहे थे, तो चलिए देखते हैं आज आगे आगे ब्लॉग में हम क्या दिखाते हैं आपको। अभी मुझे भी कुछ नहीं पता, मैंने वैसे ही अचानक से ही ब्लॉग शुरू कर दिया है। 3:30 बज गए अब, और अब हमारी काम वाली मतलब हाउस हेल्पर आई है। सिर्फ मैं झाड़ू पोछा करवाती हूँ और वो समय से नहीं आती है, मुझे वास्तव में सही तो नहीं लगता। ये शाम हो गई है, अब बोलूँगी मैं जी राम 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 राम। तुम जल्दी आ जा करो, ऐसे ही बोल देती हैं आ जा करूंगी, फिर आती हो नहीं होता। हाँ करो दीदी, उमस है ना, उमस की बहुत गर्मी है। आज तो रात है बाहर, हाँ। और कल बहुत ही हाँ। हाँ। रात में बारिश हुई है ना, पूरा रात लाइट ना सोई, लाइट ना होती, हाँ लाइट ना रही। तो शाम होने ही वाली है, तो मैंने सोचा आज जल्दी बना देती हूँ खाना। और किचन में आई थी वैसे ही धोती आ गई है, लेके गई अपनी पनीर की सब्जी बनाओ ना, तो मैं वही फिर पनीर बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने ये देखिए प्याज और लहसुन इसके नीचे है वो मैंने काट लिया, और टमाटर एक ही था, मुझे 2 चाहिए था लेकिन अभी एक ही है। और ये रहा पनीर, इसको निकाल के पहले धोएंगे और फिर काटेंगे। ऐसा सूखा सूखा सा पनीर है, मैं नहीं खाऊं, ये आप मत खाना, आधा तो ऐसे ही खा लिया कच्चा, अब बना। और ये देखो जिस कढ़ाई में मुझे बनाना, वो तो गंदी पड़ी है, पहले अब इसको साफ करूंगी मैं।
वो घिसनी पड़ेगी, वो तल तल के। मेरे घर में गोलगप्पे बनते हैं, तीसरे दिन बनते हैं तो वो उसी की रखी हुई है कढ़ाई, तो वो घिसनी पड़ेगी। तो घिस घिस के पहले मैं उसको साफ कर लेती हूँ। ये देखो कढ़ाई की हालत, अब इसमें चारों तरफ से देखो, और इसमें कितनी मेहनत लगेगी ना साफ करने को, सोच सकते हो ना। तो चलो इसको साफ कर लेते हैं। तो ये देखिए साफ हो गई है कढ़ाई, थोड़ी देर घिसना तो पड़ा मुझे, लेकिन इसको साफ कर ही लिया। अब बनाते हैं अपना पनीर की सब्जी। तेल दे दिया है और अब इसमें डालूंगी हींग जीरा और फिर ये लहसुन प्याज, मैंने प्याज भी मोटी मोटी काटी है और लहसुन को तो काटा ही नहीं है, फिर इसको डाल दूंगी। और फिर ये टमाटर, ये भी मैंने मोटा मोटा ही काटा, तो थोड़ी देर इनको भून कर फिर इनको पीसना, ऐसे करके बना दूंगा। खड़े मसाले भी डाल सकते हैं अभी, और ये डाल दिया मैंने हींग। सब्जी बना दिया और अब रोटी भी बनाने लगी हूँ, थोड़ी सी रोटी बना दे रही हूँ क्योंकि यूसु बोल रहे मम्मी गरम गरम रोटी और बना दो और फिर मैं खाना खाऊं। यूसु खाना ले जाओ, खाओ अपनी गरम गरम रोटी और पनीर की सब्जी। आज बोला था ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी बनाना, तो मैंने वो ही बना दिया है। हाँ खाना ले जाओ। ये देखिए ग्रेवी वाला पनीर, ये लो। ईशु को देख करके मुझे भी भूख लगी, सोचा दो रोटी मैं भी खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी तो बच्चों ने मुझे एक चैलेंज दे डाला कि मम्मी इस गेम को सुलझा कर दिखाओ तो माने। तो हमने पूरा कोशिश किया कि इसको सुलझा कर देखते हैं, तो मैं और सोमू लग गए उलझे उलझे, उलझते तो रहे लेकिन सुलझने का नाम नहीं हो रहा था। तो आप लोग देखिए और दिमाग भी लगाइए और कमेंट में बताइए तो ये सुलझता कैसे है, ये कैसे होता है, मुझे तो नहीं पता चला। मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत ही कोशिश भी बहुत की है। इम्पॉसिबल टॉवल चैलेंज गेम, ये तो हमसे पॉसिबल हुआ नहीं, ये तो हमें उलझते गए। लेकिन दूसरा गेम भी खेला था, वो ज़रूर सॉल्व हो गया था। तो आप लोग आगे आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगे दोनों ही गेम, बहुत अच्छा लग रहा था खेलने में। भाई बहुत जद्दोजहद की और बहुत कोशिश की और कि सुलझ जाए, इन टॉवल में से अलग अलग हो जाए, इस गेम को पूरा कर लें, लेकिन आखिर में हमने हार मान ही ली। अब शुरू करते हैं दूसरा गेम। इस गेम का क्या है, दो पेन ले लिए और उसमें रबड़ बैंड जो होती है वो डाल दिया, बीच में मैंने ये रिंग डाल दिया, रिंग तो थी नहीं मेरे पास, तो इसलिए ये भी मैंने एक रबड़ बैंड मोटी वाली ले लिया। तो अब इसको क्या करना है कि इसमें बाहर निकालना है और कहीं से भी वैसे उठा कर नहीं निकालना, रबड़ को नहीं निकालना, रबड़ बैंड को नहीं निकालना, ये जो छोटी मोटी वाली रबड़ है ना वो भी निकल जाए और ये रबड़ बैंड कहीं से उठे भी नहीं। तो ईशु को पहले चांस दिया गया, फिर सोमू को चांस दिया गया, इन दोनों से नहीं हुआ, तो अचानक से ज्योति ने पहले ही चांस में इसको कर लिया। तो आप लोग ध्यान से देखिए,
कि ये लोग कैसे निकाल पाते हैं। लास्ट में मैंने भी निकाल के दिखाया था, मैंने इस गेम की पहले वीडियो देख रखी थी तो इसलिए लास्ट में मैंने बताया था कि ये इस तरह से निकाला जाता। लेकिन ज्योति ने ना बहुत सिंपल तरीके से इसको निकाल दिया था, हम लोग बहुत ज़्यादा ही चौंक गए थे। निकल सकती है, निकल जाएगी, मैं निकाल के दिखाऊंगी। कैसे तुम दोनों, मैं तो जानती नहीं आ पाई। अब मैं दिखा रही हूँ कि ये कैसे निकलती है, आप लोग भी बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से और बड़े आराम से ये मोटी वाली रबड़ इस रबड़ बैंड में से निकल जाती है। ये देखिए निकल गई। सबसे पहले उधर वाली रबड़ को उंगली से खींच लेना, फिर नीचे से जो रबड़ है उसको खींचकर इस पेन पर लपेट देना है, और फिर जो मोटी वाली रबड़ बैंड के उधर से वो उधर वाली रबड़ को लेकर के फिर इस पेन पर लपेट देना है। ये थोड़ी साथ में आ रही थी इसीलिए मैंने इसको पकड़ने को बोला है, इसको लपेट देना है, और फिर ये जो उंगली पकड़ के रखी थी इसको छोड़ देंगे तो अपने आप ये रबड़ बैंड निकल जाती है।